हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G11 प्लस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टैप टू वेक सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टैप टू वेक सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये डिस्प्ले का, डिस्प्ले पर आपको इसे टैप करना है। अब डिस्प्ले के इस पेज में आपको है ना सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टैप टू वेक। टैप टू वेक इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है, तो ये बटन आपका ऑन हो जाएगा ब्लू कलर में, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है ना टैप टू वेक इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब भी आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑफ होगी इस तरीके से, तो आप डबल टैप करेंगे ना स्क्रीन के ऊपर, तो आपकी फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग ना इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग इनेबल करने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको ना ये बता देता हूँ कि कैसे आप इस टैप टू वेक सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं इस सेटिंग को, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है फिर से, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिल जाएगा सर्च सेटिंग का, इसे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टैप टू वेक, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना वो आपको यहाँ पे पूरा पूरा टाइप कर देना इस तरीके से, तो आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा टैप टू वेक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो नहीं होगा, ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का।